गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम की देखिए, सबसे पहले अपन स्पेक्ट्रम क्या है इस चीज को समझते हैं। व्हेन दी व्हाइट लाइट इज पास थ्रू दी प्रिज्म, ये प्रिज्म है, और इस पे हमने व्हाइट लाइट जो गिराई, गिराने के बाद प्रिज्म से लाइट निकलेगी, तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, जो फ्रीक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग, ये जो व्हाइट लाइट है वो सेवन कलर से मिलकर बनती है, और सेवन जो ये लाइट है इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, जिसके कारण से उनका जो यहां से डिफ्लेक्ट होने का जो एंगल है वो भी अलग अलग होगा। इस तरह से अलग अलग एंगल में डिफ्लेक्ट होती हैं ये अलग अलग कलर की। तो ये जो कलरफुल पट्टियां आएंगी, ये जो कलरफुल स्क्रीन पे जो अपन को पट्टियां प्राप्त होंगी इसकी, इन कलरफुल पट्टियों को ही स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, यही स्पेक्ट्रम होता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी इसी तरीके से है कि यहां पे हमने एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर में गैसीय फॉर्म में मैटर ले लिया, और जब ये लाइट उसमें से पास होगी, प्रिज्म पे जाएगी, प्रिज्म से उसको डिफ्लेक्ट होगा और स्क्रीन पे अपन को अलग कलरफुल पट्टियां मिलेंगी, तो इसे एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अगर यहां पे बात करें जो रेड कलर है, उसका डेविएशन जो है रेड कलर का स्पेक्ट्रम, वो लोएस्ट होता है यहां पर। रेड कलर जो है इसका डेविएशन लोएस्ट होता है। कम होता है। और जो वॉयलेट कलर है, इसका हाईएस्ट होता है डेविएशन, हाईएस्ट। ठीक है, ये सेवन कलर्स होते हैं, आप इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हो। बजानी, हैप्पी, बजानी, हैप्पी, नाला, बे यानी बैंगनी, जा यानी जामुनी, ना यानी बजानी, नी यानी नीला, है यानी हरा, पी यानी पीला, ना यानी नारंगी, और ला यानी लाल। ठीक है, विग्योर होता है इसका थिंग, VI, इंडिगो, विग्योर, बी हरा, H, Y, O, R, तो ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये ग्रीन आ जाएगा आपका, येलो, ऑरेंज और रेड, तो इस सेवन
से भी आप ये याद रख सकते हो। तो ये स्पेक्ट्रम्स के कलर है सेवन, इनकी जो विजिबल रेंज होती है स्पेक्ट्रम्स की, जो विजिबल आंख से दिखाई पर्दे पे जो स्क्रीन पे आती है, विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको। ये विजिबल जो है स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, ऑफ व्हाइट लाइट इज फ्रॉम 7.50 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज टू 4 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, यहां तक ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। अगर फ्रिक्वेंसी इस रेंज में है 7.5 इंटू 10 की पावर 14 से 4 इंटू 10 की पावर 14 तक, तो वो स्पेक्ट्रम अपन को स्क्रीन पे विजिबल होगा, ठीक है ना। तो वो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को देखिए दो पार्ट्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट्स में कैसे उनको डिवाइड किया गया है और कौन कौन से दो पार्ट हैं स्पेक्ट्रम के जो डिवाइड किया अपन ने, देखिए फर्स्ट पार्ट है एमिशन स्पेक्ट्रम और सेकंड पार्ट है अब्सॉर्ब स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम ये दोनों क्या है, देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है और ये क्या कब होता है ये स्पेक्ट्रम। हमने बात की थी प्रिज्म की, ये प्रिज्म है, जो व्हाइट लाइट को जो है सेवन कलर्स में डिवाइड करता है। हमने एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर में गैसीय फॉर्म में मटेरियल ले लिया, जब इसमें से लाइट पास की, व्हाइट लाइट इसमें से आई, तो देखिए क्या होता है। कोई भी सब्सटेंस जो है एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयन से बना हुआ है अगर, तो वो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फिर कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। एब्जॉर्ब एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, जिससे हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो इमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा। देखिए जब व्हाइट लाइट इसमें पास हुई, यहां पे पार्टिकल्स हैं गैसीय फॉर्म में जो है मटेरियल के, तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, इस व्हाइट लाइट में जो अलग अलग फ्रिक्वेंसी की जो रेज है उनमें से कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर ये पार्टिकल्स जो है अपनी कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं, वो एनर्जी आती है प्रिज्म पे और प्रिज्म फिर उसको स्क्रीन पे डालता है, ठीक है। इस तरीके से यहां व्हाइट लाइट जब इसमें से पास हुई तो इसने कुछ पार्टिकल्स ने कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और फिर एब्जॉर्ब एनर्जी को रिलीज किया। रिलीज करने के बाद में हमने स्क्रीन पे प्रिज्म में से गुजार कर स्क्रीन पे अपन ने स्पेक्ट्रम लिया, ये स्पेक्ट्रम होगा एमएसएन स्पेक्ट्रम। एमएसएन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। अगर इसी को हम यूं कर दें, इस कंटेनर को हमने थोड़ा सा घुमा दिया और इस तरीके से ले लिया, ठीक है, तब क्या होगा। ऐसी कंडीशन में देखिए जो रेडिएशन का पैटर्न है वो थोड़ा अलग हो जाएगा। होता क्या है कि जो व्हाइट रेडिएशन आ रही है यहां से, ये व्हाइट रेडिएशन आ रही है, इन रेडिएशंस में कुछ एनर्जी, कुछ रेडिएशंस का ये जो पार्टिकल्स हैं इस मटेरियल के, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको, ठीक है ना। जो लोअर फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन होती है उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं,
और बाकी जो है वो आगे पास करते हैं, प्रिज्म पे गिरता है, स्क्रीन पे स्पेक्ट्रम आता है। तो अब देखो क्या होता है, इसने कुछ फ्रिक्वेंसी की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और बाकी को ये आगे पास कर रहा है। तो यहां पे जो स्पेक्ट्रम आएगा उस स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम अब देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, एब्जॉर्ब की जो कंडीशन है इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा कि अगर ये जो वाइट ये जो लाइनें हैं स्पेक्ट्रम की जो लाइनें आएंगी वो यहां आ जाएंगी, कलरफुल रंगीन पट्टियां आपको यहां पे मिल जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से आपको रंगीन पट्टियां मिल जाएंगी कलरफुल। अपने पास कलर पेन नहीं है इसलिए अपन बना नहीं सकते, मैं रेड से बना रहा हूं, ठीक है, लेकिन इन कलर्स के बीच में कई कई जगह पे आपको ब्लैक लाइंस दिखाई देंगी, इस तरीके से ये ब्लैक लाइनें दिखाई देंगी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो एनर्जी जिस रेडिएशन एनर्जी को इसने एब्जॉर्ब किया था वो इसमें नहीं आई आगे, तो उसकी जगह पे अपन को ब्लैक लाइनें शो होंगी। कौन सी लाइनें शो होंगी, ब्लैक लाइनें। तो ये जो ब्लैक लाइनें वाला स्पेक्ट्रम है इसी को हम लिनियर स्पेक्ट्रम बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, लाइन वाला स्पेक्ट्रम। जबकि जो इमेशन स्पेक्ट्रम था इसमें क्या होता है, इसमें कंटिन्यूअसली रहते हैं कलर, मर्ज रहते हैं, एक कलर दूसरे कलर में मर्ज रहता है, यानी जब पहला कलर खत्म नहीं हुआ उससे पहले ही दूसरा कलर जो है चालू हो जाता है। तो ब्लैक अलग कलर जो है यहां पे मर्ज होते हैं, फिर पूरा अलग कलर आएगा, फिर ये कलर खत्म नहीं होता और अगला कलर स्टार्ट हो जाता है। तो ये कंटिन्यूअसली स्पेक्ट्रम होता है, इसके अंदर क्या होता है कि कलर्स एक दूसरे के अंदर मर्ज रहते हैं, उनको डिवाइड नहीं कर सकते लाइन खींच के कि यहां तक ब्लू है और यहां से फिर रेड चालू हो गया या ग्रीन चालू हो गया या येलो चालू हो गया, ये एक कलर्स एक दूसरे में मर्ज रहते हैं, जैसे रेनबो में होता है। तो इस स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूअसली स्पेक्ट्रम बोलते हैं, इस टाइप का जो स्पेक्ट्रम होता है उसे कंटिन्यूअसली स्पेक्ट्रम बोलते हैं, कंटिन्यूअस रहते हैं कलर इसलिए ये कंटिन्यूअसली स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। तो दो टाइप के आपके स्पेक्ट्रम हो गए, इमिशन और एब्जॉर्ब, कब होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, जिसके कारण से जो स्पेक्ट्रम लाइन्स है वो भी डिफरेंट डिफरेंट आती हैं और उसी बेस पे इनको लिनियर और कंटिन्यूअसली स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम था। अब इसमें हम हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम था उसकी बात करते हैं, उसकी जो लाइनें थी उनकी बात करते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए कि वो क्या थी। देखिए लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसकी बात करते हैं अपन, ये लाइनें कैसी होती हैं। तो यहां शो कर रहा हूं मैं डायग्राम से, ये एनर्जी लेवल है, ठीक है, और यहां पे हमने कुछ लाइनें खींची सेल की, यहां पे एन इज इक्वल टू वन है, ये एन इज इक्वल टू टू है, एन इज इक्वल टू थ्री हो गया, एन इज इक्वल टू फोर, एन इज इक्वल टू फाइव, एन इज इक्वल टू सिक्स, एन इज इक्वल टू सेवन एंड एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसके अंदर अलग अलग जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो मिली, इसमें हम बात करें फर्स्ट लाइमन सीरीज के
इसके लिए n इज इक्वल टू वन होता है और फॉर्म टू से स्टार्ट है। तो देखिए यहां से आप स्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपन को फर्स्ट लाइन में यहां से खींचिए आप, हायर एनर्जी लेवल से नीचे डाउन में, फिर सेकेंड लाइन खींच दीजिए यहां पे एक छोड़ के, फिर थर्ड कर दीजिए एक छोड़ के, क्योंकि सबके लिए, फिर ये फोर एक छोड़ के हो गई, फिर एक छोड़ दिया अपन ने, फिर एक और छोड़ दिया अपन ने, और n इज इक्वल टू टू तक ये हो गया। ये लाइमन सीरीज थी, लाइमन साइंटिस्ट के नाम पे इसको रख दिया गया, लाइमन सीरीज। सेकेंड अगर बनाए तो वो स्टार्ट होती है आपके n2 के लिए फॉर्म n3 तक, तो यहां पे आ जाएगा n2 पे, फिर एक छोड़ के बनाएंगे, फिर एक छोड़ दीजिए आप, एक और लाइन छोड़िए और n3 तक, n3 से स्टार्ट हो गई। ये बामर्स सीरीज है, बामर्स सीरीज। उसके बाद में जो है पाश्चन सीरीज है, वो हो जाएगी n3 के लिए, यहां से स्टार्ट हुई, एक लाइन ऊपर से छोड़ दीजिए और आगे जब जैसे ही अगली सीरीज पे जाएंगे नीचे से एक लाइन छोड़ते जाएंगे, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और ये आ जाएगा n4 से स्टार्ट होके n4 तक, पाश्चन सीरीज है ये, पाश्चन सीरीज। उसके बाद में ब्रैकेट जो कि n इजिकल टू फोर के लिए, ये हो गया n5 से, इसका नाम है ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है फंड सीरीज, n इज इक्वल टू फाइव के लिए, तो फाइव पे रोकेंगे हम इसको, ये होगी थ्री लाइन में फंड सीरीज है ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन के लिए लाइन स्पेक्ट्रम है, अलग अलग लाइनें अलग अलग एनर्जी लेवल में स्टार्ट होके फिनिश होती हैं, और इनको अलग अलग सीरीज को नाम दिया गया, लाइमन, बामा, पाशन, ब्रैकेट और फंड सीरीज, ठीक है स्टूडेंट्स।